वाराणसी के एक निजी अस्पताल में आग लग गई है। बिल्डिंग में डॉक्टर और मरीज फंसे हुए हैं। फंसे हुए लोगों को खिड़की तोड़कर निकालने की कोशिश की जा रही है। साथ ही सिगरा क्षेत्र में लगी इस आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां भी मौजूद है। आपको बता दें वाराणसी का सिगरा इलाका बहुत ही संकरा इलाका है। ऐसे में आग बुझाने की जो तमाम कोशिश है इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन अस्पताल के अंदर कई डॉक्टर और मरीज फंसे हुए, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। खिड़की तोड़ते हुए आप एक शख्स को देख सकते हैं। खिड़की तोड़कर लोगों को अस्पताल से बाहर निकालने की जद्दोजहद की जा रही है। वाराणसी का ये निजी अस्पताल है जिसमें आग गई है। आग लगने के कारणों का तो पता नहीं चल सका है, लेकिन खिड़की तोड़कर लोगों को बाहर निकालने की कोशिशों की तस्वीर इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वाराणसी का सिगरा इलाका है जहां एक निजी अस्पताल में एकाएक आग लगी। फायर ब्रिगेड की यानी दमकल विभाग की दो गाड़ियां इस वक्त मौके पर आग बुझाने की कोशिशों में लगातार जुटी हुई है और शीशा तोड़कर ये कांच तोड़कर कोशिश की जा रही है कि इसी के सहारे लोगों को बाहर निकाला जा सके। यानी कहीं ना कहीं ये तस्वीरें बताती हैं कि आने जाने के जो रास्ते हैं हो सकता है वहां पर भी आग लगी हो, इसलिए शीशा तोड़कर लोगों को बाहर निकाला जा सके। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पहनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज़।